तुम फालतू के ही आ गए। वैन और मैं सब कुछ आराम से संभाल लेते। छोटा सा मामला है। कोई खास छोटा मामला भी नहीं लगता। दहलाने वाली आवाजें, अजीब रोशनियाँ या किसी खतरनाक जानवर के होने की अफवाहें। हाँ, लेकिन जिन्होंने ये सब बताया उन पर पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते। ऐसी हरकतें तो गुंडे मवाली लोग ही करते हैं ना, ऐसी सुनसान जगहों पर आकर कार रेसिंग करना। अब ये मैं कैसे जानूं भाई, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। ग्रैंडपा मैक्स ने कहा था कि एक जमाने में लास्ट सोलादार एक बड़ा मिलिट्री बेस हुआ करता था, एक तरह की रिसर्च लेबोरेटरी थी। हाँ, जरूर ये कोई महंगी रिसर्च लैब होगी। जरा इन दीवारों को देखो, आज तक इनमें एक भी दरार नहीं आई। अरे ये क्या, ये छेद कब हो गए? तुमने कुछ गौर किया? इन छेदों का शेप कुछ कुछ इंसानों जैसा है। अजीब है, इस दीवार को जैसे किसी चीज ने जलाकर आर पार कर दिया है। किस चीज ने? उसी चीज ने जिसने हर तरफ ये निशान छोड़े हैं। देखो, ये तो कोई पंछी है, और ये गिरगिट की हड्डियां हैं, जैसे कोई फॉसिल हो। ये हाल सिर्फ इनका नहीं है, लगता है जैसे किसी ने स्लेट को रौंदकर रेत में बदल दिया हो। कोई नए तरह का जादू है क्या? ये निशान पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं, आगे फिर उन क्या कहें, उन मकानों में। कहना क्या चाहते हो? कोई जो 10 लाख साल पहले यहाँ आया था वो उन 50 साल पुरानी बिल्डिंग्स में चला गया? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इनमें डीएन एलियंस का हाथ हो सकता है, और अभी हम पर है कि हम इन्हें। ये काम डीएन एलियंस का नहीं है। क्या वो तुम्हें डीएन एलियन जैसा लगता है? आखिरकार कुछ तो एक्शन होगा। प्रोमो स्टोन। आप कैसे बचोगे? चला गया। शुक्र है उस चीज ने लाइब्रेरी की बिल्डिंग तबाह नहीं की। तुम्हें यहाँ भी किताबों की पड़ी है? इसका मतलब है हमें रिसर्च करनी होगी, पता करना होगा ये चीज क्या है। अभी तक इतनी ही जानकारी है कि वो इस बेस पर कुछ ढूंढ रहा है।